की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्राण जी भाई साहब नीलम भाभी जी उपस्थित हो चुके हैं और हमारी जिगना भावसार भी उपस्थित हो चुकी हैं। हमारी मधु तनेजा जी जयपुर भी उपस्थित हो चुकी हैं। रेणु जी तनेजा, संतोष जी प्रणामी, रेणु जी तनेजा, चंद्रकांता जी, विनय सेठी जी, चंपा बहन पड़साला, शशि जी तनेजा, जगदीश जी प्रणामी, विशाली निखिल जी, आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी की वाणी का गायन करते हुए अपनी सुरता को धनी जी के चरणों में जोड़ें। आप सभी मेरे साथ ही गाया करें तो आनंद आएगा। मैं आपको रोज कहती हूँ, मैं नहीं सुन रही ना, पर धाम धनी सुन रहे हैं ना, तो धाम धनी का सुनना बहुत बड़ी बात है। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी कहते हैं, जो बेहद वाणी आपको दी है ये इस ब्रह्मांड के अंदर किसी के पास नहीं है लाडले सुंदर साथ जी, तो हम धनी की कृपा का ही गुण गाएं। मेहरे बड़ी महबूब की आखंड आलेखे सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की, मिहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की, अंतरे आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे है सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की, मिहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की। नाथा भरोसा हम को जो भव जल उतरे पार, नाथा भरोसा हम को जो भव जल उतरे पार, इन जुबा के ती कहूँ इन मेहरे को नाही शुमार, मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की, अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की। क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, क्यों मेहर मुझ पर
पई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक, मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की अंतरी आँखां खोल सी ए सुख सोई देखे है सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की, मिहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मिहर बड़ी महबूब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साहब जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जी साहेब जी सुखदेव मुनि जी के बारे में हमें विस्तार सहित समझा रहे थे। कल श्रीजी साहेब जी महामती की आत्म को कितना जोश था उनके हृदय में, और किस प्रकार से वो शुक जी जो तोता बन के बैठे और श्री प्राणनाथ जी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनके साथ बात कर रहे थे। हम सुन रहे थे कि हमारे श्रीजी साहेब जी ने शुक को कितने प्यार से समझाया। ये बात श्रीजी साहेब जी शुक के साथ कर रहे थे के विद सारी कागद में हम लिए विचार, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आया समाचार। उन्होंने कहा था ना कि मेरे से ये बेहद वाणी का वर्णन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मैं उस बेहद मंडल का वर्णन करूं, उस महारास का वर्णन करूं। तो श्रीजी साहिब जी ने कहा कि सुखदेव मुनि जी, आप तो वहां के पात्र ना होते हुए भी इतना वर्णन कर लिया पंच अध्याय में, ये भी श्री राजजी महाराज की कृपा है, नहीं तो पात्र के बिना ये बेहद का रस आज तक किसी को ना मिला है ना मिल सकता है। तो श्रीजी साहिब जी समझा रहे थे लाडले सुंदर साहब जी के विद सारी कागद में हम लिए विचार। ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी कागद है ना, ये पत्री आई है ना, ये किसके लिए आई है? ये हम परम धाम की आत्माओं के लिए धनी ने चिट्ठी भेजी है ना। तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आया समाचार, ए मुनि जी आपके हाथ तो हमारा ये समाचार आया है बेहद भूमिका से, हमारे धाम के धनी ने ये समाचार भेजा है। ए शुद्ध कागद हम लई समझे सब सार, और ये कागद के अंदर जितनी शुद्ध है वो हमें मिल गई है और हम इसका सार समझ गए हैं कि धनी ने इस श्रीमद् भागवत के अंदर महारास जो हम ब्रह्मात्माओं के साथ धाम धनी ने की, उसको आपके द्वारा थोड़ा दर्शाना चाहते थे श्रीमद् भागवत के अंदर, इसलिए वर्णन कर दिया, नहीं तो औरन को एक कोहिड़ा ना खुले द्वार। ये तो हमारा समाचार है, हमने सारी इसकी सुध ले ली, औरों के लिए ये तो एक कोहड़ा है। कोहड़ा समझते हो, जो धुंध पड़ती है ना सर्दियों में, जिसमें सामने खड़ा हुआ ही कोई आदमी दिखाई नहीं देता है ना, हम पंजाबी में उसको धुंध कहते हैं, वैसे वो कोहरा होता है। श्री गंगानगर में तो बहुत ज्यादा पड़ता है दिसंबर के महीने में,
क्योंकि दिसंबर के महीने में महाराज श्री ज्वारदास जी के 5 मेले किए और बाहर के समस्त सुंदर साथियां आए, चाहे वो गुजरात के थे, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से, है ना, सभी स्थानों से यहाँ सुंदर साथ आए। तो उन्होंने कहा शारदा दीदी, पन्ना जी से 100 सुंदर साथ आए थे, तो उन्होंने कहा शारदा दीदी ऐसा कोहरा हमने पहली बार देखा है यहाँ श्री गंगानगर के अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो कोहरा, वो धुंध जिसमें सामने से कोई दिखाई नहीं देता। तो सिर जी कहते हैं लाडले सुंदर साथ जी, दुनिया के लिए औरों के लिए ये कोहरा है, ना खुले द्वार ये धाम के दरवाजे किसी से खुल नहीं सके, ये भागवत के गुज रहस्य किसी से खुल नहीं सके। तो कहते हैं ए बिचारी क्या जानी, जाने जाको होए, ये बिचारे दुनिया वाले क्या जाने, ये जिनकी वस्तु है ना वो ही समझेंगे, हम बिना द्वार बेहद के खोल ना सके कोए। और श्रीजी साहिब जी ने फरमाया कि मेरे बिना उस परम धाम के दरवाजे, उस बेहद भूमिका के दरवाजे कोई भी नहीं खोल सकता। इसीलिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि माशूक किरंतन ग्रंथ का प्रकरण है लाडले सुंदर साथ जी, हम रोज ही वाणी में पढ़ते हैं। इसीलिए श्री इंद्रावती जी ने तारीफ करी अपने खावंद की, अपने प्रीतम की, कि माशूक मेरी रूह चाय में सिफत करो, सो में जाए ना कही, जब देखा बेवरा कर तब तामे उरज रही। तो कहते माशूक मेरा दिल करता है मैं आपकी तारीफ करूं, क्यों करूं, क्योंकि सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी करी ना दूजी कोए, इस ब्रह्मांड के अंदर आपने मुझे सबसे बड़ा किया है और ऐसा आपने किसी को भी नहीं बनाया, है ना। तो महामती जी फरमा रही हैं कि ये तो मेरे बिना जाने, हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोए, मेरे बिना बेहद का रास्ता किसी ने भी नहीं खोला। किसने खोला? महामती ने खोला। लाख बेर देखो फेर ना पावे कड़ी कल, महामती ने कहा कि लाख बार कोई श्रीमद् भागवत को पढ़े पर इसके गुज रहस्य को कोई भी जान नहीं सकता, और फिर का पाई नहीं त्रैगुण ने, और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव भी इसको जान नहीं सके, कर कर गए बल। कहते ऋषियों ने मुनियों ने बल लगाया कि श्रीमद् भागवत के गुज रहस्यों को खोलने का, पर जब वो महाराज की श्री राजी महाराज ने अपनी लाडलियों के साथ वो रहस्य जो था ना वो किसी को भी नहीं खुला, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि शिरजी ने, जब शिरजी साहब जी गोकुल और वृंदावन में जाते हैं ना, तब वहां जाके भी बात करते हैं पंडित लोगों से कि जिस गोकुल को तुम अखंड कहते हो सो तुम्हारी नजरों ना आया, तुम गोकुल इस गोकुल को अखंड कह रही हो क्या, हैं, जहां अखंड है वो तो तुम्हारी नजर में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो अखंड जो है, जो लालदास जी को चतुरा ब्राह्मण जाके कहता है कि आप बताओ ब्रिज और रास अखंड कहाँ है, तो लालदास जी ने कहा ये चतुरा पोकरना ब्राह्मण तू कहां से सुन के आए है, तो उन्होंने कहा एक संत आए हैं यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर, वो अखंड ब्रिज और अखंड रास की खोल खोल के बातें करते हैं, क्योंकि लालदास जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने कहा ये रहस्य तो किसी ने आज तक खोला ही नहीं है कि अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आत्म दृष्टि जब खुलती है तब ये सब नजर आता है। तो चतुरे ने कह दिया कि तुम्हारी आत्म दृष्टि कब खुलेगी, है ना, अखंड ब्रिज का है, अखंड रास का है। तब उन्होंने कहा कि अरे ये कहां से सुना, तब वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ एक संत आए हैं और वो अखंड ब्रिज रास की चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी तक मैं सुनते हैं, उन्होंने कहा मुझे भी लेके चलो। तो वो चतुरा पोकरना कहता है स्वामी श्री लालदास जी को कि पूछ के आऊंगा, सेठ जी अगर वो प्राणनाथ जी आपके लिए हाँ भरेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि वो दूध देने के लिए आता था चतुरा पोकरना ब्राह्मण, ठीक है। तो अगले दिन जाके वो कहता है कि एक लक्ष्मण सेठ है वो भी आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा जाइए उनको बुला के ले आइए। कहते काहू काहू मने करी, किसी ने मना किया
कि वो तो लक्ष्मण सेठ बहुत धनवान बहुत पैसे वाला है और वो बहुत बड़ा श्रीमद् भागवत के ज्ञाता भी है, आप मत बुलाओ। पर प्रेमनाथ जी ने कहा नहीं, उनको तो नाम सुनते ही कितना आनंद आया होगा। कहने का भावार्थ है कि जो श्री लालदास जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भी जब अखंड ब्रिज और अखंड रास की बात को सुना तो वो भी चौंक गए चतुरा पोकरणा से सुनते ही। ये बातें तो हम सारी श्री बीतक के अंदर विस्तार सहित सुनेंगे, पर बीच में थोड़ा टॉपिक आ गया तो आपको बताई बात कि सिर जी कहते हैं कोई भी हमारे बिना इस कड़ी को खोल नहीं सका, इस गुज रहस्य को कोई भी खोलने की किसी के अंदर ताकत नहीं है। ये तो कोहड़ा हद का, कहते हद के लोगों के लिए ये कोहड़ा बना हुआ है ना, और बेहद ही समाचार, और हमारे परम धाम से आने वाली आत्माओं का तो ये समाचार है जो समाचार धाम धनी ने खेल के अंदर भेजा है, गुज रहस्य लिख के भेजे हैं। पर धनी ने कहा ये खोलेगा कौन, जिसके पास तारतम रूपी चाबी होगी ना वही इसको खोल सकेगा, तारतम रूपी चाबी के बिना इस गुज रहस्य को कोई भी नहीं खोल सकता। लाडले सुंदर साथ जी, तो महामती बता रही है ए दिखावे हम जाहिर साथ को खोल द्वार। महामती ने कहा अब मैं खोल के दिखाऊंगी अपने सुंदर साथ को, बेहद के दरवाजे खोल दूंगी अपने सुंदर साथ के लिए, और बेहद के दरवाजे खोल के अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, ये रास महारास खेली कहाँ गई, और उन्होंने कहाँ बैठ के ये खेल मांगा, ये सारी की सारी बातें धाम धनी ने हमें वाणी के अंदर खोल के बताई। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ था कि हम परम धाम की आत्माएं खेल देखने के लिए आई हैं, ये तो किसने खोल ली, ये सारी बातें सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात धनी ने दर्शन देके और सारे गुज रहस्यों को खोल दिया। तो फरमा रहे हैं शुक जी इतले आइया बेहद के बोल, कहते सुखदेव मुनि जी महाराज बेहद भूमिका के बोल लेके आए, फिर टालो अंदर का देखो आंखा खोल। कहते हैं ए दुनिया वालों वो बेहद के बोल तो ले आए हैं लेकिन उसके गुज रहस्य नहीं खुल सके। महामती फरमा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर 29 श्लोक 1 और 3 उसके अंदर वर्णन किया गया है कि ये गुज रहस्य क्या था, क्योंकि वो महारास के लिए गुज रहस्य वर्णन किया गया जो किसी को भी नहीं पता लगा। तो कहते फिर टालो अंदर का देखो अंदर आंखा खोल, कहते उस फेरे को हटाओ क्योंकि इसको देखने के लिए आत्म दृष्टि चाहिए, और आत्म दृष्टि किससे खुलती है लाडले सुंदर साथ जी, तारतम से खुलती है। पहिए बतावे पार के, ये तारतम हमें पार का रास्ता दर्शाता है, ये तारतम इतनी ज्योत है इतना प्रकाश है, इस तारतम के अंदर जो पार अखंड परम धाम के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि तारतम का पाठ करने से, तारतम वाणी का पाठ करने से सुंदर साथ जी हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम सारे दरवाजे खोल देता है। तो सिर जी कह फरमा रहे हैं कि देखो आंखा खोल, स्कंद दूजा मुनिये कहा चतुर्श्लोकी जित, कहते दूसरे स्कंद के अंदर चतुर्श्लोकी 4 श्लोक मिले थे ब्रह्मांड जी की जहां उत्पन्न, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई अर्थ देखो तित, कहते तब पता लगेगा आपको कि अगर इसको कोई आपको खोल के बताए दुनिया वालों, ए द्वार देखोगे जाहिर होसी माया पहचान, जब इन श्लोक को कोई खोलेगा तब माया की पहचान होगी, ए मायने निके लीजिए हृदय में आन। शिव जी कहते हैं मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह सुनो और अपने हृदय के अंदर रखो। तो शिव जी साहिब जी ने स्पष्टीकरण किया मोह तत्व कहा नींद को, शिव जी ने कहा मोह तत्व क्या है,
मोहतत्व तो कहते हैं नींद को। कितनी आसानी के साथ समझा दिया कि सबलिक की जो सूरत है वो अव्याकृत के अंदर जब प्रवेश करती है, जब उसको लगता है मैं आदि नारायण हूं, जब उनको लगता है महाविष्णु हूं, जब वो अपने आप को महाविष्णु आदि नारायण समझने लगते हैं, तो कहते वो अहंकार का स्वरूप हो जाता है अपने आप को कुछ समझना। और कहते वो सबलिक की सूरत अव्याकृत के अंदर जब प्रवेश करती है तो शिव जी ने कहा सूरत अहंकार, वो सबलिक की सूरत अव्यकृत के अंदर प्रवेश किया, सबलिक के स्थूल में प्रवेश किया तो अहंकार की सूरत पैदा हुई। सुपन को कहा ब्रह्मांड, कहते ये सपना जो आदि नारायण का है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। नाम धरे बेशुमार, कहते शास्त्रों के अंदर बेशुमार नाम रखे गए। पेड़ा बेहद वतन का ए वतनी जाने, महामती फरमा रही है पेड़ा बेहद वतन का, जो बेहद मंडल का रास्ता है वो तो खाली परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही जानती है, दूसरा कोई भी नहीं जानता। हद का जीव बेहद का द्वार क्यों पहचाने, कहते जो हद के जीव हैं जिनको जाना ही वैकुंठ में है तो वो बेहद के दरवाजे को कैसे पहचानेंगे, वो पार के दरवाजे तक कैसे पहुंचेंगे। देखो द्वार बेहद के सुखजी बलवंत, महामती फरमा रहे हैं सुखदेव मुनि जी महाराज महान योगेश्वर हैं और उन्हें बेहद की प्राप्ति का बोध भी हो गया, मार्ग भी मिला, लेकिन पर कल किल्ली क्यों पाम ही जोर किया अनंत, पर उनके पास क्या नहीं थी, तारतम रूपी कुंजी नहीं थी, और तारतम रूपी कुंजी के बिना सुंदर साथ जी परम धाम नहीं जाया जाता। परम धाम जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट चाहिए, वो क्या है, जैसे अमेरिका जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना सुंदर साथ जी, इसी तरह से हमें परम धाम जाने के लिए हमारे पास वीजा तारतम रूपी वीजा भी होना चाहिए और तारतम का तारतम वो भी हमारे पास होना चाहिए। वीजा और पासपोर्ट दोनों होंगे ना तो हम परम धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये तारतम वाणी के अंदर इतना बल है, इतनी शक्ति है कि ये हमें पार पहुंचा सकती है। लेकिन पार पहुंचने के लिए भी क्या चाहिए, ये तारतम वाणी हमारे हृदय में होनी चाहिए, तभी कहते हैं कि ये इलम पढ़ो तो कुछ इलम अंदर भी रखा करो, कुछ इलम हमें याद भी हो जाए। तो सिर जी फरमा रहे हैं पर कल किल्ली क्यों पावी जोर किया अनंत, अक्षर की सुरता होते हुए पांच वासनाओं में सुखदेव मुनि जी का स्थान है, फिर भी उनके पास क्या नहीं थी, जागृत बुद्धि नहीं थी और तारतम ज्ञान नहीं था उनके पास, है ना, जिसके कारण ये कहानी पहुंच सके, परम धाम में नहीं जा सके। क्योंकि सुंदर साहब जी सीधी सी बात है, हम यहां से ट्रेन में बैठ के भी कहीं जाते हैं, है ना, तो रात के टाइम टीटी आता है तो वो क्या चेक करता है आके, हम चाहे सो रहे हो कंबल ताड़ के, ठीक है, तब भी वो हमें उठाएगा, उठा के चेक करेगा कि कहाँ है आपकी टिकट, कहाँ है, है ना, और टिकट देखेगा, फिर आजकल कहते हैं आईडी भी देखेगा कहाँ है। तो लाडले सुंदर साथ जी जब यहाँ पे इतनी चेकिंग होती है तो परम धाम जाने के लिए हमसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि शिव जी ने कहा है तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती तिनसे धाम दरवाजा खोलती, सुंदर सैया जाने धाम माइन बैठिया ये तो चरणों तले जाग बैठिया, तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, हमें प्रेम लेके जाना होगा, वो प्रेम किससे मिलेगा, इस तारतम वाणी के अंदर से मिलेगा लाडले सुंदर साथ जी। तो मामती फरमा रहे हैं द्वार खोलने दौड़िया सुख जी सपराना, तो कहते हैं दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई, किसने लगाई, सुखदेव मुनि जी महाराज ने बेहद का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई, वे अपने साथ प्रक्षित को ले गए थे, है ना, ले चलिया संग प्रक्षित को सो तो बोझे दबाना, क्यों नहीं जा सके,
क्योंकि उन्होंने माया के जीव बैकुंठ के रहने वाले परीक्षित का साथ कर लिया था। महामती को कोई किसी का डर थोड़ी है, महामती तो स्पष्ट कर रहे हैं हर बात को, उनको वो पार ब्रह्म अक्षरातीत स्वतंत्र बादशाह हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की वाणी है, उनको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, वो तो स्वतंत्र होके बात कर रही हैं कि भाई देखो क्यों नहीं जा सके वो, क्योंकि उन्होंने संग किसका कर लिया। हम दो दिन से सुन रहे हैं कि राजा परीक्षित कहां के रहने वाले हैं, बैकुंठ के रहने वाले हैं, और सुखदेव मुनि जी महाराज पंचवासनाओं में उनका स्थान है, ठीक है सुंदर साहब जी, पर वो परीक्षित को लेके जा रहे थे इसलिए वो पार नहीं पहुंच सके। आज सुबह सुबह जब मैं पाठ कर रही थी ना, तो मुझे पाठ करते करते थोड़ी हंसी आ रही थी, मैंने कहा अच्छा, एक मन में भाव आया भाई, जिसका पावरफुल का हम संग करके और धनी जी के चरणों में प्रातःकाल जाते हैं, मतलब मैं मेरे लिए पावरफुल समझती हूँ महाराज श्री ज्वारदास जी को, ठीक है, अपने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी को, कि महाराज श्री ज्वारदास जी परमहंस जी का हाथ पकड़ के जब परम धाम जाते हैं तो एक पल लगता है जमुना जी के किनारे में पहुंचते हुए, ऐसे लगता है कि एक पल में जल रोंस के ऊपर महाराज श्री ज्वारदास जी लेके भी आ गए, जमुना जी की सुंदर रोंस के ऊपर आके सुखपाल उतार दिया, और लगता है एक पल में सतगुरु महाराज जी ने पाल से तीन सीढ़ी उतरे और सीधा चलने लगे दो मंदिर की रोंस के ऊपर। जो दो मंदिर की रोंस, इतनी प्यारी रोंस सुंदर साथ जी, जो हीरे नंगों मोतियों से जड़ित, और जब चल रहे हैं तो मखमल के गद्दे जैसी है ना, और पल में पता ही नहीं लगा 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके दो मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पे आ गए, और एक पैर उठाया, लाल रंग की हीरे नंगों से जड़ित चौखट को पार कर लिया, एक दो मंदिर का लंबा चौड़ा हमारे पास मंदिर आया, तो अंदर पार करके गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके चार चोर सवेलियों को पार करके और पहुंच गए हम एक मिनट में 5वां चौक मूल मिलावे के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी तो पल भर में सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी पल भर में ले जाते हैं सुरता को उड़ा के। तो सुबह जब पाठ कर रही थी, ध्यान कर रही थी उनका, तो मुझे ये बात याद आ गई प्रातःकाल, मैंने कहा अच्छा, सुखदेव मुनि जी महाराज ने परीक्षित को साथ लेके जाने लगे थे तो उन बिचारों को बड़ी उलझन में वो उलझ गए, बिचारे पार नहीं पहुंच सके, बेहद मंडल का वर्णन नहीं कर सके। तो मैंने महाराज श्री ज्वारदास जी को कहा, मैं तो महाबलिया सतगुरु को लेके चल रही हूं ना, मेरे को तो ऐसे महाबलिया महाराज श्री ज्वारदास जी परमहंस के रूप में मिले हैं, तो ऐसे महाबलिया को लेके परम धाम, जिनके रोम रोम के अंदर समाया हुआ, जिन्होंने इस संसार के अंदर बैठ के परम धाम को प्रत्यक्ष देख के वर्णन किया, ऐसे सतगुरु का संग करके जब परम धाम की सैर पे जाए ना सुंदर साथ जी, तो लगता है चुटकी में मैं हर पक्ष का दर्शन करा देते हैं एक चुटकी के अंदर। तो बात हो रही है कि संग की, कि किसका संग करके हम चलें अपने परम धाम को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ साथी का बहुत बड़ा महत्व दिखा दिया कि सुखदेव मुनि जी महाराज क्यों उलझ गए, क्यों अटक गए, क्योंकि उन्होंने बैकुंठ वाले परीक्षित का संग कर लिया इसलिए बेचारे उलझ के रह गए और पार नहीं पा सके। तो मेरे मन में प्रातःकाल पाठ करते करते, चितवनी करते करते, ध्यान करते करते, ये ऐसे ही आनंद की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, अपने हृदय के भाव हैं। तो मैं प्रातःकाल महाराज श्री जी से कहने लगी कि महाराज श्री जी वो तो अटक गए सुखदेव मुनि जी महाराज, तो आपका जिसने संग किया और जिन्होंने साक्षात श्री इंद्रावती जी महामती प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ के जो आत्माएं चलेंगी, जिनके लिए कहा दिया तुम्हारा पावी दुनिया 14 तबक, क्योंकि सुखदेव मुनि जी चाहते थे कि मैं देऊं सबको, मैं बेहद मंडल का रस देऊं, लेकिन धामधनी ने वाणी में वर्णन किया
कि ए मेरी इंद्रावती दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया चौदे तबक मेरी इंद्रावती देगी पूरे ब्रह्मांड को अखंड करेगी तो मेरी श्री इंद्रावती करेगी है ना, सारे संसार को बिहद मंडल का सुख देगी। तो ये शोभा तो धामधनी ने किसको दी, श्री इंद्रावती जी को दी। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमा रहे हैं कि द्वार खोलने दौड़िया सुखदेव जी सपराना, कहते बेहद मंडल का द्वार खोलने के लिए दौड़े सुखदेव मुनि जी महाराज, ले चलिया संग प्रक्षित को सो तो बोझे दबाना, प्रक्षित को लेके चले थे इसलिए बोझ से दब गए। आप भी अपने साथ अपने सतगुरु जी को लेके जमुना जी पे जाया करो प्रातःकाल झील न करने के लिए। और जब अपने सतगुरु जी को लेके चलते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, तो सतगुरु एक पल के अंदर पहुंचा देते हैं, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जितना जुथ इसमें हो ना, हो सकता है मैंने सबके फेस नहीं देखे हो, पर जब मैं जमुना जी पे जाती हूँ ना सुंदर साथ जी, मैं आप सबका ध्यान कर लेती हूँ कि आप सारी आत्माएं मेरे साथ जमुना जी पे झीलना करने के लिए आई हो। और मैं सबको दिखाती हूँ कि धनी देखो ये सब आत्माएं वही हैं जो 3:35 तक सुख लेने वाली आनंद लेने वाली। लाडले सुंदर साथ जी वो तो एक अनुभव अनुभूति और आत्मा का सुख है जो हम यहाँ बैठ के लेते हैं। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे सतगुरु धनी हमें मिले हैं, सारा परम धाम हमारे नाम कर दिया। आइए लाडले सुंदर साथ जी जयकारे के साथ कल के प्रश्नों के उत्तर दें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी कल के पहले प्रश्न का उत्तर था कौशल्या बाई, दूसरे का था छबील दास जी, तीसरे का था 2 वर्ष तक, और चौथे का था गड्ढा में, और पांचवे का था स्वामी श्री लालदास जी। आइए अब आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू होता है अब श्री छत्रसाल तथा देव करण जी दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। कितना आसान है ना, है ना। श्री छत्रसाल जी तथा देव करण जी का दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। दूसरा प्रश्न, कुरान के किस सिपारे में मूसा हारून का वर्णन है। कुरान के किस सिपारे में मूसा हारून का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है सुंदर साहब जी, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास, एक राजा मिले, श्री लालदास जी ने ये वाक्य किसकी ओर निर्देश किया है। श्री लालदास जी ने ये वाक्य किसकी ओर निर्देश किया है। चौथा प्रश्न आ रहा है अब, स्वामी श्री प्राणनाथ जी बिलहरी गांव में कितने दिन तक रहे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी बिलहरी गांव में कितने दिन तक रहे। कितने आसान है ना सुंदर साथ जी प्रश्न, आप तो बताते भी नहीं हो कमेंट करके कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं, है ना। कुछ भी नहीं बताते हो कि बेहद वाणी चर्चा में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, ये सवाल जवाब प्रतियोगिता में आनंद आ रहा है कि नहीं, आपको कैसी अनुभूति होती है, क्योंकि मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस तो देख नहीं सकती ना, आपके भाव तो देख नहीं सकती, लेकिन आप कमेंट करके बताया तो करो कि आपको कितना आनंद आया इस प्रतियोगिता के अंदर, है ना। ये पांचवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने अब, सिरजी साहेब जी श्री परना जी में कब पहुंचे। सिरजी साहेब जी श्री परना जी में कब पहुंचे। ये थे आपके पांचों प्रश्न। बहुत सारे सुंदर साथ इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, और बहुत सारे सुंदर साथ जिनको बाद में टाइम मिलता है सुनने का वो सुनते हैं बैठ के आनंद से, और फिर वो मुझे कॉल करके मैसेज करके भी बताते हैं कि शारदा दीदी पता क्या है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, शॉप भी खोलनी पड़ती है, तो हम ये जो है ना आनंद ये लिए बिना तो हम भोजन नहीं करते। हमारी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, हमारे पूर्व प्रधान थे धामवासी
श्री चिरंजी लाल जी तनेजा श्री गंगानगर के, तो उनकी पोती है दिया। वो दिया कहती है कि जब तक ये प्रतियोगिता नहीं हो जाती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। 2:30-3 बजे तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती क्योंकि प्रतियोगिता के बाद लूंगी, ऐसा उसने अपना नियम बना रखा है। हमारे राजेश जी, नीलम जी, तनेजा जी की बेटी श्री गंगानगर की, तो मुझे सुन के इतना आनंद आया सुंदर साहब जी कि अगर बच्चों के ऐसे भाव रहेंगे तो ये प्रतियोगिता तो हमारी सफल हो गई। आइए लाडले सुंदर साहब जी कल के विनर की घोषणा कर दें। कल की विनर हैं हनी तनेजा, खुर्जा के रहने वाले हैं हनी तनेजा। हमारी उषा जी हैं श्री गंगानगर की, है ना, तो वो हनी तनेजा जी के मोबाइल से ही शायद ये सारा चल रहा है उनका सवाल जवाब। तो ये खुर्जा की रहने वाली उषा जी को बहुत बहुत बधाई हो, धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से, धामधनी की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। आइए लाडले सुंदर साथ जी अब हम इस प्रतियोगिता को विराम देते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आप समस्त सुंदर साथ उषा जी को बधाई दे देना, हनी तनेजा खुर्जा को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।